तो आपको ही संभालना गुड इवनिंग एवरीवन। सो वेलकम टू दादाज बीएफआर लर्निंग रेमेडी प्रोसेसेस एंड आई वेलकम दादा एंड ऑल द न्यू मेंबर्स। आई आई थिंक देयर आर वेरी फ्यू मेंबर्स एंड आई वेलकम ऑल द न्यू मेंबर्स ऑन बिहाफ ऑफ दादा माई सेल्फ एंड डॉक्टर सोनल। वी विल स्टिल बी वेटिंग फॉर डॉक्टर सोनल लुकिंग आउट फॉर हर। तो लेट्स स्टार्ट द रेमेडी। दादा आप स्टार्ट कीजिएगा। दादा दादा क्या करेगा, आपने तो बोल के छोड़ दिया, वेलकम सबको बोल दिया, यहाँ मेरा जरा भी मूड नहीं है। बारिश का मौसम है, चारों तरफ बादल, काले काले बादल छाए हुए हैं। वो पुराना एक गीत था ना, काली घटा छाए मोरा जीरा घबर, जीरा घबरा है। बस ऐसी ही हालत है मेरी, जीरा घबरा रहा है, कोई मूड नहीं है क्या रीजन है, एकदम। क्यों? पता नहीं क्या रीजन है, एकदम निराशा सी छा गई है, एकदम से उदासी आ गई है। बट आप जब ये ऐसे बहुत बोलते बार हो हैं ना, जाता है। हाँ बहुत बार हाँ हो जाता है मुझे, अचानक से घबराहट होने लगती है, उदासी आ जाती है, निराशा आ जाता है, कोई काम करने का मूड नहीं रहता लाइफ में। समझो यूं समझो कि कोई आनंद ही नहीं है, आप जब पता ऐसे नहीं क्या बोलते हैं हो तब रहा। मुझे ध्यान आता है कि हमारे जो मेंटर हैं दादा, तो वो ये कहते थे जब कुछ समझ में नहीं आए, ये सारी चीजें फील कर रहे हो तो मस्टर्ड ले लो। तो दादा मैं भी आपको यही बोलती हूँ नहीं, कि वो आप मस्टर्ड मस्टर्ड तो घर वाली रोज साग भाजी में दाल में छौंका लगाती है। दादा वो छोंक। ठीक है अब इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगी। साथ में तब मेरा भी छौंका लग जाता है। तो फिर आपको ये फीलिंग बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। यस सर। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं मस्टर्ड की ओर। आज की रेमेडी है हमारी मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब आप समझते हो ना, राई, जिससे क्या बोलते हैं आप लोग, सरसों, सरसों। सरसों का साग, सरसों की भाजी पंजाबी लोगों को बहुत पसंद होती है ना, बस वही है उनके फ्लावर मतलब मस्टर्ड। अब यहाँ आप ये देखोगे ना कि मस्टर्ड और अस्पेन, नए फ्रेंड है उसको शायद मालूम नहीं है, बट हम अस्पेन। आई स्टार्टेड कोरिलेटिंग कि वो ये सवाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो पूछते हैं ना कि आपको बाहर ज्यादा नेचर में रहना पसंद है या अंदर रहना पसंद है, तो वो जो मस्टर्ड इंडिविजुअल होता है उसको हम कैसे पहचानेंगे? मस्टर्ड इंडिविजुअल विल से दैट आई लॉन्ग फॉर लाइट एंड सनशाइन, मुझे नेचर पसंद है। तो समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी पेशेंट अपनी ये बात नहीं करेगा कि मैं पेसिमिस्टिक हूँ या मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो हमें ढूंढना जरूरी है, हमें निकालना जरूरी है कि कैसे समझे कि उस इंडिविजुअल को क्या हो रहा है। तो दीज आर द लिटिल थिंग्स दैट ही आस्क द पेशेंट कि आपको बाहर अच्छा लगता है या अंदर। द मोमेंट पेशेंट बोलता है कि आई लॉन्ग फॉर सनशाइन, आई लॉन्ग फॉर लाइट, वी अंडरस्टैंड कि वो पेशेंट अंदर ही अंदर घुट रहा है। लिटिल लिटिल थिंग्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन टू द पेशेंट। इन अ सिमिलर मैनर, आफ्टर लर्निंग ऑल दिस, आई हैव यूज दिस रेमेडी अ लॉट विथ मेनोपॉजल वुमेन, बिकॉज सो मेनी थिंग्स आर गोइंग इन साइड हर, हॉर्मोनल चेंजेस विच शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सब जने आराम से बैठे हैं, सडनली शी स्टार्ट फीलिंग हॉट फ्लैशेस एंड दोज हॉट फ्लैशेस आर सो इरिटेटिंग, इट कॉजेज स्लीपलेसनेस। शी इज नॉट एक्टिव, शी इज इरिटेबल एंड शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है। शी इज नॉट इवन गेटिंग मोटिवेशन फ्रॉम हर लाइफ, फ्रॉम सराउंडिंग। और मन में आता है कि मेरे चारों तरफ सब जने हैप्पी हैं, सब जने एक्टिव लाइफ जी रहे हैं और मैं ही इतनी दुखी क्यों? दिस इज अगेन मस्टर्ड। तो इट इज वेरी हेल्पफुल एंड इट इज अ, फॉर मी इट इज अ प्राइम रेमेडी, बिकॉज आई वॉज द वन टेकिंग मस्टर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अफकोर्स ये बताते नहीं थे कि मुझे क्या दे रहे हैं, बट इवेंचुअली वेन आई गॉट आउट ऑफ इट, ही वुड शेयर कि ऐसा ऐसा आई वुड से, तो वो मुझे इस तरीके से ट्रीट करते थे। एंड विद इन माई ओन फैमिली आई विल टेक माई एग्जाम्पल, बिकॉज इट इज अनवाइज टू टेक एनी बडीज एल्स एग्जाम्पल। मैं उन्हें उनको एक बार कहा था कि मेरे हस्बैंड खुश है, मेरे बच्चे खुश है, उनको मेरी खुशी, उनको दिखता नहीं है कि मैं दुखी हूँ, मैं क्यों दुखी हूँ, मैं कैसे समझाऊं दादा कि मैं दुखी हूँ, या मुझे खुद को भी नहीं समझ में आ रहा है। सो आई यूज टू फील, दादा बोलते थे क्या हो रहा है, मैंने कहा मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एक आइलैंड की तरफ हूँ, पानी है और मैं एक अलग से आइलैंड की तरह हूँ, मेरे को कोई समझ नहीं पा रहा है।
दिस वर्ड ही कॉट दैट आई एम फीलिंग लाइक अ आईलैंड. दिस टाइनी टाइनी वर्ड ही यूज टू कैच कि आई एम फीलिंग लाइक एन आईलैंड. सो आई वुड 35 किलो वजन बढ़ गया है तो कह नहीं सकते कि क्यों बढ़ा है, तो थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिएगा. बट यहाँ मैडम 35 किलो वजन बढ़ गया है तो जिसने भी सवाल किया है ना उसने लिखना चाहिए या तो पूरा कहना चाहिए कि 35 किलो वजन कितने टाइम में बढ़ गया, 1 मंथ में, 6 मंथ जी सर, में, 1 ईयर में, अचानक से ऐसा क्यों हुआ, ऐसा उनकी लाइफ में क्या हुआ था कि उसने सबके साथ बोलना छोड़ दिया। चलो बोलना छोड़ दिया तो वो क्या एक रूम में बंधा रहता है, एक रूम में पड़ा रहता है या बाहर भाग जाता है? सो जूम यूजर, देर आर सो मेनी सवाल जो दादा आपसे कर रहे हैं, तो कृपया करके आप इन सवालों का जवाब दीजिए या अपनी पेशेंट से पूछिए, बिकॉज देर हैव टू बी न्यूमरस क्वेश्चंस बिफोर यू कैन यू डिसाइड ऑन द रेमेडी. डॉक्टर श्रेया जैन पूछ रही है, दादा अगर किसी फीमेल के मूड स्विंग विदाउट, हेलो मैम, हेलो, अगर किसी फीमेल के मूड स्विंग विदाउट एनी रीजन है तो क्या हम मस्टर्ड दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन और भी चीजें पूछिए, पर मस्टर्ड तो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बट उसके साथ और क्या चीजें हैं तो वो भी ऐड कीजिएगा मैडम. दादा क्वेश्चंस तो सारे हो गए. अगर मैम, गुड इवनिंग हेलो, मैम, हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग. वी वर वेटिंग फॉर डॉक्टर सोनल मैम. डॉक्टर सोनल मैम, हमने यस, मस्टर्ड शेयर किया है बट वी स्टिल हैव 3 मिनट्स नहीं, आई गेस, डेफिनेटली. तो आप बताइएगा मस्टर्ड के बारे में. ओनली ओनली फोर ओनली 4 मिनट है ओनली. यस दादा, मेरे लिए मैंने काफी है बता दादा. दिया. हाँ जी, ओके, थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच डॉक्टर रितु मैम. ऑलमोस्ट डेफिनेटली दोनों ने सब कुछ कवर कर लिया होगा, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगी. मस्टर्ड मेरी पर्सनल फेवरेट में से क्यों है, क्योंकि मस्टर्ड जैसे बताया कि इट्स फॉर रीजन नहीं पता हमें डिप्रेशन का कि क्या है. एक्चुअली यहाँ पे मेरा इंटर्नशिप में थीसिस है रोल ऑफ माइंड इन मैनेजमेंट ऑफ सिक पीपल. अभी देखिए कोई भी चीज अननोन नहीं होती, कोई भी फीलिंग अननोन नहीं होती, कोई भी फियर अननोन नहीं होता. देखिए हमारे ब्रेन के दो, एक्चुअली 3 पार्ट है. फर्स्ट हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, हम खाते हैं, पीते हैं, सोचते हैं, एक्ट करते हैं, वी नो कि हम क्या करें. दूसरा है उसका सबकॉन्शियस माइंड, मतलब कि जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन डे टू डे हमें कुछ चीजें बुरी लगी है, कभी हमें कोई पोजीशन नहीं दी गई है और हमें बुरा लगा, पर हम उस पर रिएक्ट नहीं करते, वो चीजें बैक ऑफ द माइंड चली जाती है. हमें पता भी नहीं होता कि सबकॉन्शियस माइंड में हमें वो चीज के लिए बुरा लग रहा है, हमें अपने में बुरा लग रहा है, या तो फिर हमें कोई पोजीशन नहीं दी इसके लिए बुरा लग रहा है. हम उस टाइम तो हंस लेते हैं, पर वो चीज, वो मेमोरी तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, हम उसको नहीं पहुंचते. अभी स्पेशली जब पूरे मंथ में फुल मून या न्यू मून जब आता है तब हमारी इमोशंस पिक पर आते हैं, ठीक है? तो जो कुछ भी चीजें पीछे दबी हुई है यू आर टोटली अनअवेयर. इवन जब तुम्हें पूछा जाएगा कि क्या तुम्हें खराब लगा था उस चीज पे, नहीं नहीं मुझे कुछ खराब नहीं लगा, क्योंकि आप भी अवेयर नहीं. तो जब जब पूरे मंथ में ये दो चीजें आती है तब आपके इमोशन सरफेस पे आते हैं एंड सडनली सब कुछ एकदम से चेंज होता है. यू फील मूडी, यू फील लो विदाउट एनी रीजन. कभी भी कोई चीज विदाउट एनी रीजन नहीं होती है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुई चीज है जो बाहर आती है. इसके लिए मस्टर्ड दिया जाता है. जैसे अस्पेन, अस्पेन इट्स अननोन फियर, पर अननोन फियर भी पैदा तब होगा जब पास्ट में कुछ हुआ होगा, वो चीज सरफेस आई है. सो मस्टर्ड इज फॉर अननोन डिप्रेशन, अननोन मूडीनेस, पर वो भी उसका कहीं ना कहीं पास्ट में रीजन है. तो इट्स अ वंडरफुल रेमेडी फॉर द डिप्रेशन कि जिसका कॉज कभी पास्ट में रहा हो, पेशेंट को रिकवर्ड कुछ कुछ मोमेंट, यस yes, कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं कि उसको बा हाँ. सो दिस विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड. दोज इमोशंस कैन बी As long as past, even your बोलते हैं ना कि mother wounds, they can come from mother also. Even when she was pregnant with you, so whatever depression या whatever mood swings she was going through, that seeps into you. So they can be बहुत पुराने, इतने पुराने भी हो सकते हैं. This was very wonderful, ma'am. Thank you so much. मैडम ने, सोनल मैडम ने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन जो अभी लर्नर से वो इतना डीप में मत जाओ, भंवर में फंस जाओगे. अभी आपको सिंपली लर्न करना है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता आप डीप में जाओ, वरना आप ये फुल मून, नो मून वगैरह वगैरह
माइंड का फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, अभी हमें कुछ नहीं सुनना सोचना है, सिंपली नहीं, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लेनिंग दादा कि ये रीजन है, यस यस डेफिनेटली जरूरी है, सारे आपने सिम्पटम्स मैडम आप अपनी मैडम आपने आप मैडम आप अपनी मैडम आप अपनी तरह से रीजन बता रही है कि आप अपनी तरह से सही हो, हम लोग डॉक्टर से हम लोग समझ सकते हैं, बट जो न्यू है जो अभी लर्निंग कर रहे हैं उनके माइंड में कुछ नहीं आ रहा, इसीलिए तो इतने सालों से मैं सिंपल वे पकड़ रहा हूँ कि सबके माइंड में सिंपल ही आ जाए। हम ऐसे हेवी हेवी लैंग्वेज का उपयोग करेंगे ना तो कोई किसी की समझ नहीं आएगा, सबको पता है कि भाई कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड हमारे लिए, हमारे लिए हेवी रीजन बताने की कोशिश कर रही कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि हमेशा मेडिसिन के दादा टॉट अस कि जो इंसान अंदर ही अंदर घुस जाता है, एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं तो थॉट प्रोसेस स्लो हो जाता है। हम जितना बोलते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि बुजुर्गों को ओल्ड एज में आके बहुत बोलना चाहिए, या हम लोगों को एज अ ह्यूमन लाइब्रेरी वी शुड अंडरस्टैंड देम, देयर शुड बी अ कॉन्स्टेंट कॉन्वर्सेशन विद पीपल, अदरवाइज दे स्टार्ट गोइंग इन टू देयर शेल, एंड वंस दे स्टार्ट गोइंग इन टू देयर शेल थॉट प्रोसेस स्लो होने लग जाता है, एंड वी मिस अंडरस्टैंड अ पर्सन दैट ही इज बिकमिंग फॉरगेटफुल, दे आर बिकमिंग फॉरगेटफुल, वो भूलने लग रहे। वो भूलने वाली चीज नहीं होती है, वो ये होती है कि दे आर मूविंग इन टू द सेल, सो वो थॉट प्रोसेस स्लो हो जाता है और हम उसको नाम दे देते कि दे आर फॉरगेटिंग, दिस इज नॉट फॉरगेटफुल, दिस इज गेटिंग। यही गलती कर गए हम, मैंने बोला ना कि निराश हो जाता हूँ, उदास हो जाता हूँ, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये दादा है, बट जहाँ मेरी फर्ज आती थी कि मैं आपका भी इंट्रोडक्शन करवा दूं कि आप है डॉक्टर रितु मैडम अहमदाबाद से, जो हमारे ऑनलाइन क्लिनिक में भी साथ में रहते हैं, जूम मीटिंग में भी साथ में है, ग्रुप में भी साथ में है, हो गया ना मैम स्टार्ट। हाँ बिल्कुल, बिकॉज वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट में इतने अंदर ही अंदर घुसे हुए थे कि वो भूले नहीं है, लेकिन वो अपने आप में ही इतने एंग्रोस्ड हैं अपनी दुनिया में, अपनी पेसिमिस्टिक फीलिंग में, कि उनको और कोई चीज नहीं दिखती और कोई रीजन नहीं है, वो भूले फिर भी नहीं है, हम उसको भूलना कहते हैं क्योंकि सारा थॉट उनका प्री ऑक्यूपेशन इज टुवर्ड्स हिज ओन सेल्फ कि व्हाट इज हैपनिंग टू मी। जब वो खुद ही अपने आप को नहीं समझ पा रहे तो हमें क्या समझाएंगे, और जब हम नहीं समझ पाते उनको और वो नहीं समझा सकते तो हम उसको लेबल कर देते हैं ड्रामा, फॉरगेटफुलनेस, एंड दिस इज हाउ वी डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर। तो अ नेगेटिव इंडिविजुअल जो होगा, मस्टर्ड इंडिविजुअल होगा, हम उसको पहचानेंगे कैसे? हाउ डू वी अंडरस्टैंड, लाइक देयर इज अ सिमिलैरिटी व्हेन अ डार्क क्लाउड अमिड्स द सनशाइन। दादा का फर्स्ट क्वेश्चन, कई बार हम लोग केस स्टडी करते हैं और वो अचानक से एक सवाल खड़ा करते हैं कि आपको घर में रहना पसंद है या बाहर नेचर में जाना पसंद है, और कई बार केस स्टडी करते करते मैं झुंझला जाती हूँ कि भाई ये क्या सवाल हम कर रहे हैं और दादा का अचानक से ये सवाल क्यों आ जाता है। फिर वो मस्टर्ड रेमेडी पढ़ने के बाद, मैथ्स वीक है या तो इसका फिजिक्स वीक है, उसको मस्टर्ड दीजिए, उसका मैथ्स भी अच्छा हो जाएगा, उसका फिजिक्स भी अच्छा हो जाएगा, वो आराम से 50% मार्क ले आएगा, फेल नहीं होगा। ठीक है, तो फिर से चलते हैं मस्टर्ड की ओर, कि मस्टर्ड क्या है, जैसे मैंने बोला ना कि ग्राउंडलेस डिप्रेशन, ठीक वैसे ही लैक ऑफ जॉय एंड ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर। अब किसी को देखोगे, बातें करोगे ना तो वो आपको पता चले जाए, पल चल जाएगा कि इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पावरफुल है। तो इसका मतलब हुआ कि वो पेशेंट मस्टर्ड पॉजिटिव है, मस्टर्ड नेगेटिव क्या हो गया, लैक ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर, लैक ऑफ जॉय। और जहां हम पैथोलॉजिकल कंडीशन देखे कि जो सैडनेस की वजह से है, जैसे डेली लाइफ के प्रॉब्लम, डिप्रेशन, बैड मूड ऑफ एनी काइंड, मेरा आज मूड मूड नहीं है, किस बात का मूड नहीं है, क्यों मूड नहीं है, बट जब आपको पता चलता है ना कि सैडनेस का कारण है तो मस्टर्ड दीजिए। ठीक है, ठीक है,
आगे चलते हैं। यस मस्कार दादा, एक बार को मुझे ध्यान आया था, अपने पास एक पेशेंट ऐसा ही आया था और कुछ एक सवाल आपने कुछ अजीब सा, मतलब मेरे लिए उस वक्त अजीब सा था, मैं नई नई थी, आपने किया था और सडनली वो पेशेंट ने बात करनी बंद कर दी थी और अपन देख सकते थे कि उसका चेहरा पेल हो गया था एकदम, और थोड़े गूज बम्प से उसको आने लग गए थे और एकदम आपको ऐसा लग रहा था कि आपने बाद में बोले पसीने पसीने हो गया था। बट ऐसा फिर देन यू सेड कि ऐसा कोई सवाल ही नहीं था, बट ये सारे सिम्टम्स थे। इमीडिएटली यू सेड वी कैन गिव मस्टर्ड। यस, तो यही तो बोला ना कि ये अस्पेन सारी चीजें देखनी अस्पेन होती है। अस्पेन और मस्टर्ड में बहुत सारे सिम्टम एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। राइट दादा, दूसरा, मस्टर्ड में क्या होता है, जो कि ये थोड़ा आई थिंक मेरिड लाइफ की ओर से आ रहा है। ही हैज यूज्ड विच वर्ड एज अ पेट नेम, लाइक फॉर हॉर्नबीम ही यूज्ड टू से मंडे मॉर्निंग ब्लू। सो व्हेनेवर द पेशेंट्स हैव देयर ओन वे ऑफ यू नो यूजिंग द वर्ड रिगार्डिंग देयर इमोशंस, देयर फीलिंग्स, एंड लाइक फॉर हेदर ही वुड से शोले की बसंती, एज फार एज आई रिमेम्बर। लार्ज के लिए ये अक्सर बोला करते थे मेटरनल, माँ के प्यार जैसा होता है लार्ज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हम माँ के पास जाते हैं तो यू नो उनकी मोटिवेटिंग बातें, प्यार भरी बातें। सो आई यूज टू रिमेम्बर और मैं नोट डाउन करती थी, ऐसे होली को जैसे दादा बोलते प्यार की गोली। सो फॉर मस्टर्ड ऑल्सो वेन ही वॉज टीचिंग आई गेव अ पेट नेम एज ब्लैक क्लाउड द डिस्ट्रॉयर। एंड वाई द डिस्ट्रॉयर, वाई इट्स सच ए ह्यूज नेगेटिव वर्ड, बिकॉज हियर वी आर लर्निंग हाउ टू रिमूव द नेगेटिविटी, हाउ टू रिमूव द नेगेटिविटी एंड हाउ टू यूज इट पॉजिटिवली। सो मस्टर्ड इंडिविजुअल दे फील लाइक एन आईलैंड एज इफ दे आर कट अप फ्रॉम द होल वर्ल्ड, यू नो कि क्योंकि द डीप फीलिंग इन साइड देम दैट दे फील लॉस, दे फील एलियनेटेड, दे फील पेसिमिस्टिक, ब्लीक, टायर्ड, जितने भी नेगेटिव वर्ड होते हैं दे फील दैट एंड दे डोंट अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज दे हैव ऑल द कम्फर्ट इन द वर्ल्ड, येट दे आर फीलिंग दिस एंड दैट दिस। ये जो डीप रूटेड बर्डन फीलिंग इन साइड होती है वेट दे कैन नॉट शेयर विथ एनी वन एंड देर इज अ फियर वाई दे डोंट डोंट शेयर विथ एनी वन, बिकॉज दे फील कि दे हैव एवरीथिंग। जब उनको ही नहीं समझ में आ रहा है कि हाउ विल दे जज दिस थिंग एंड हाउ विल पीपल अंडरस्टैंड मी कि मुझे क्या हो रहा है, आई हैव एवरीथिंग इन लाइफ, येट आई एम पेसिमिस्टिक, येट आई एम ब्लीक, आई एम लाइफलेस, देर इज नो इंटरेस्ट इन लाइफ एंड पीपल विल कॉल मी कि ये तो ड्रामा कर रहा है, द पर्सन इज अ ड्रामेटिक पर्सन, बिकॉज एवरी कंफर्ट एवरी लग्जरी इज इन देयर लाइफ एंड येट उसे समझ में नहीं आ रहा है, वो रुआसा सा बैठा है। एंड दिस माइनस फीलिंग ऑफ फियर टूगेदर विथ होल डिसअपॉइंटमेंट, वो दे स्टार्ट रिट्रीटिंग इन टू देयर शेल एंड दे डिटैच देमसेल्व्स फ्रॉम फ्रॉम एवरी वन, फ्रॉम एवरी थिंग अराउंड देम एंड दे स्टार्ट गोइंग इन टू शेल। एंड आई रिमेम्बर वेरी वेल, लैक ऑफ इमोशनल एक्साइटमेंट, आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी लैक दादा, ऑफ इमोशनल एक्साइटमेंट, जी जहाँ मैरिड कपल में आपको ये सिम्टम्स मिलता है ना, आप उसको कुछ नहीं दोगे और ओनली मस्टर्ड दोगे ना, तो भी वो दोनों को फर्क पड़ जाएगा। समझे ना आप क्या कहना चाहता हूँ, ज्यादा क्लियर नहीं बोल सकता मैं, ठीक है ना। ठीक है सर, ओके, आज की जो रेमेडी है बहुत छोटी है, बहुत छोटा चैप्टर है, हाँ एक किसी नो ने आज प्लेजर। पूछा था दादा कि एनिमल्स, एक कोई सवाल था मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है, बट अगर आपके पास पेट है कोई तो मस्टर्ड कैसे हेल्प कर सकता है उस पेट को, उस पेट के पेट का अगर सिम्टम, यस पेट के अगर उस सिम्टम क्या है? हाँ अगर पेट है, अगर उसके लैक ऑफ एपिटाइट है या ब्लैंक लुक दे रहा है आपका पेट, या उसकी टेल उसके पैर के बीच में है, या आपको लग रहा है आपका पेट बिना मतलब थका हुआ सा है, ये सारे अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप मस्टर्ड दे सकते हैं अपने पेट को, क्योंकि पेट आपका बोल आपने नहीं क्या, पा रहा है। नहीं उसकी पहुंच कहाँ बोली आपने?
दादा जैसे पैरों बोलते के हैं ना बीच में बोले हैं, पैर, आप क्या हाँ बताया जैसे आपने कुछ जैसे टेल नीचे की तरफ होती है, ऐसे जब वो पैर। डरा हुआ होता है या सुस्त होता है तो कैसे हाँ टेल नीचे दब जाती है पैरों के बीच में, या आपके पेट की लैक हाँ ऑफ मतलब एपिटाइट है. एग्जैक्टली जैसे हम हाँ जैसे हम बोलते हैं पूंछ दबा के भागा उसी टाइप से। हाँ हाँ, बट तो इस केस में सबसे पहले तो जिसका क्वेश्चन है वो ये देखो कि पेट आपने अभी नया लिया है क्या। हाँ वो दादा वो बाद हाँ में देखना पड़ेगा ग्रुप में, बट वो सवाल से मुझे ये ध्यान आया कि हम पेट को मस्टर्ड कैसे दे सकते हैं और कब दे सकते हैं. तो सबसे अगर पहले ये तो पेट को एग्रीमोनी दीजिए क्योंकि आपका अच्छा पेट बोल के कुछ नहीं बता सकता। हाँ एग्जैक्टली अगर नया एग्जैक्टली है तो वो मोस्ट आपके इम्पोर्टेंट. फैमिली के अगर वो नया है तो आपके फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। यहाँ वॉलनट दीजिए। नया है तो वो पिछला घर भूल नहीं सकता। हनीसकल दीजिए। राइट, एब्सोल्युटली राइट. बस वो मुझे इसीलिए ध्यान आया था कि अगर ये दो चार सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, वेरी डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ यूजिंग योर रेमेडीज वेरी ओपनली, एंड दिस इज द ओनली वे हाउ यू कैन लर्न रेमेडीज एंड हाउ यू कैन लर्न वॉचिंग योर पेशेंट्स, अंडरस्टैंडिंग देयर इमोशंस सिर्फ फेस देख के. कई बार हम दो तीन जने जो ऑनलाइन में होते हैं, हम सवाल पे सवाल किए चले जाते हैं, दादा ऐसे बैठे हुए होते हैं. कई बार मैं उनको देखती हूँ, मैं फिर बाद में पूछती हूँ आप क्या कर रहे थे ऐसे बैठ के, तो बोले कि सवाल तुम लोग करते हो, पेशेंट को मैं देखता हूँ, मैं रेमेडी निकाल देता हूँ. दिस इज अगेन एन आर्ट, सो दिस इज एन एक्सपीरियंस कि वॉच योर पेशेंट, अंडरस्टैंड वॉट दे आर सेइंग, रीड इन बिटवीन द लाइन, पुल आउट योर रेमेडी, यूज द रेमेडी, नहीं लगी तो दूसरी रेमेडी, बट जनरली फर्स्ट रेमेडी ही लग जाती है अगर आपने पेशेंट को आराम से देखा है और अगर आपने पेशेंट की सारी बातें एक एक वर्ड टू वर्ड अच्छी से सुनी है एंड गिविंग इम्पोर्टेंस टू योर पेशेंट. आई थिंक आई टुक लॉट ऑफ टाइम. दादा बैक टू यू. दादा बेक दादा इज बेस्ट। यस दादा देखिए जहाँ आप देखते हो ना कि डिप्रेशन ग्राउंडलेस डिप्रेशन वहां मस्टर्ड। अभी आपने बताया कि मस्टर्ड ऑयल की तासीर कैसी है, गर्म है। आपने स्टमक के लिए बताया बट मस्टर्ड ऑयल का यूज हम कहाँ करते हैं, पेन में, पेन के मसाज में। तो जहाँ आपकी बॉडी में पेन है ना वहाँ आप एक्सटर्नल यूज मस्टर्ड का कर सकते हो, क्रीम में या ऑयल में मिक्स करके। दूसरी बात कि स्टूडेंट के लिए हार्ड सब्जेक्ट कौन सा होता है, फिजिक्स और मैथ्स। एब्सोल्युटली यस आई रिमेम्बर दिस हाँ एग्जाम्पल. हाँ तो मैथ्स का सब्जेक्ट आज लिया गया, कुछ उसकी समझ में नहीं आया। देखो वर्ड को पकड़ो, समझ में नहीं आया, मैथ्स समझ में नहीं आया। घर आते वक्त वो बच्चा कैसा हो जाएगा, निराश उदास। क्यों बिल्कुल, निराश हो गया है, क्यों उसका मुंह लटक गया है, शायद क्योंकि बाकी नहीं सब बता पाए। नहीं बता हाँ पाएगा शायद नहीं क्योंकि सारे बताएगा। सब्जेक्ट और समझ में आ गए हैं. ऐसा ही उसका दूसरा सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो जब भी आपके कोई स्टूडेंट में आपको ऐसा लगे ना कि इसका मैथ्स, दोनों के सिम्टम्स इतने मिलते जुलते हैं, इतने मिलते जुलते हैं ना कि हम धोखा खा जाते हैं कि इसको एस्पिरिन देना है या तो मस्टर्ड देना है। तो फिर हम रेमेडी सिलेक्ट कैसे करेंगे। जो एस्पिरिन है वो अननोन फियर है और जो मस्टर्ड है उसमें अननोन डिप्रेशन, अचानक से आना वाला डिप्रेशन मस्टर्ड, अचानक से आने वाला फियर एस्पिरिन। दोनों में अचानक से है, दोनों में कोई टाइम का लिमिट नहीं है कि कभी भी आ सकता है, कभी भी चला जाता है, रुकता नहीं है। इतनी सिमिलैरिटी है दोनों में, एकदम से मिलती जुलती। बट जैसे मैंने बताया ना कि दोनों में फर्क इतना ही है, एक में फियर है तो एक में डिप्रेशन है। तो मस्टर्ड में आगे क्या हम करेंगे कि ये किसके लिए जरूरी है, जब अचानक से किसको
उदासी छा जाती है, कोई काम करने का मूड नहीं रहता, किसी के साथ बोलना नहीं चाहता, गुमसुम सा बैठा रहता है, सोचता है कि मुझे काले बादल ने चारों ओर से घेर लिया है, कुछ सूझ नहीं रहा, क्या करूं, कुछ मजा नहीं आ रहा है, नो एंजॉयमेंट इन लाइफ, एक एग्जैक्टली टाइप का डिप्रेशन ही है। बहुत से लोग आपने देखे हैं ना, आपके पास दवाई लेने आते होंगे, आजकल कुछ मजा नहीं आ रहा है, किस बात का भाई, तेरे को क्या तकलीफ है, क्यों मजा नहीं आ रहा है, नहीं बस मजा नहीं रहा है। आप देखो तो वो अच्छा भला चंगा आदमी है, हेल्दी है, उसके पास सब कुछ है, बीवी बंगला गाड़ी नौकर चाकर सब कुछ है, फिर भी मजा नहीं आ रहा है। तो ये अननोन जो डिप्रेशन है ना, वो अननोन डिप्रेशन को वो हम मस्टार्ड दे के क्योर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा आगे आप लीजिए, फिर बाद में मैं आ जाऊंगा। ठीक है दादा, थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली जैसे दादा बोले ना, मुझे मजा नहीं आ रहा है। सो आई विल स्टार्ट हाउ पर्सनली हाउ आई रिमेम्बर द रेमेडीज व्हेन ही वाज मेंटरिंग मी सम लॉन्ग टाइम बैक। तो मैं एक-एक वर्ड उनका सुनती थी और वो नोट करती थी कि इस रेमेडी के लिए ही है लैक ऑफ एपिटाइट है, या ब्लैंक लुक दे रहा है तो आप मस्टर्ड दे सकते हैं। लाइक ओके व्हेन ही इज टॉकिंग आई कैन यू नो आई कैन जस्ट रिकॉल कि हम मस्टर्ड किस सिचुएशन में दे सकते हैं, सो वी कैन ऑलवेज शेयर द एक्सपीरियंसेस। यस दादा, और आगे किसी का क्वेश्चन? हाँ दादा, मैं दो तीन चीजें आपसे पूछती हूँ जो इन लोगों ने पूछी है। समीर सर ने पहले ही लिख दिया था, मन में कोई उमंग नहीं कोई तरंग नहीं। ना यस कोई उमंग समीर है ना कोई तरंग सर, है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग बिल्कुल दादा। दादा जी, टीन आज एजर्स को, दे सकते क्या, क्योंकि वो बहुत बार बोलते ही नहीं है, चुपचाप हाँ रहते मैम, हैं। वो ही मैं पूछ रही थी, वो ही। टीन एजर बोल के आपने लेबल चिपका दिया, बट टीन एजर के मेंटल सिम्टम्स क्या है? आप जानते हो बेचफार से ट्रीट करने के लिए हमेशा हमें ओनली मेंटल सिम्टम्स की ही जरूरत पड़ती है, बट एक मुकाम आएगा आगे जाके कि जब आप पेशेंट को देख के उसकी एज को देख के समझ जाओगे कि उसको क्या देने की जरूरत है, हम आहिस्ता आहिस्ता आप सब लोग को वहां तक ले जाएंगे। दादा जूम यूजर हैं, कोई नाम नहीं पता मुझे, वो पूछ रहे हैं कि कोई डिप्रेस है और बात नहीं करता एंड हैज पुट ऑन 35 kg, तो हम मस्टर्ड के साथ क्या दे सकते हैं। मतलब सर वो पूछ रहे बोल रहे हैं कि कोई इंसान है जो डिप्रेस है पर वो बात नहीं करता है और वजन 35 किलो वजन बढ़ गया है, तो हम मस्टर्ड के साथ क्या दे सकते हैं। थोड़ा वेग क्वेश्चन है क्योंकि हमें ये, पहले तो मैडम ये बताइए पेशेंट खुद क्या चाहता है। हाँ वो ही मैं बोल रही हूँ दादा कि क्वेश्चन थोड़ा वेग है क्योंकि समवन हाँ डिप्रेस है, डिसअपॉइंट है, और है तो क्यों है, डजंट टॉक। चलो हमें समझ, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड तो आपको पता होगा, और वजन 35 किलो वजन बढ़ गया हाँ है तो क्यों बढ़ गया है, थायराइड है या कुछ है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप उसको एलैबोरेट करके पूछेंगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि मस्टर्ड या कोई भी रेमेडी सिर्फ इमोशंस पे वर्क करती है। इट हेल्प्स अ पर्सन गेट आउट फ्रॉम दैट बैशफुल डिप्रेशन टूवर्ड्स, वी कैन से टू मेक देम प्रोडक्टिवली रिलेटेडनेस फ्रॉम वट एवर दे आर फीलिंग और देयर सराउंडिंग। एंड इन अ सेम मैनर वी विल से कि जो मस्टर्ड ऑयल होता है, मस्टर्ड रेमेडी समझ लिया, बट टू अंडरस्टैंड इजीली When I am not feeling well, when a person is not feeling well, pessimistic होता है या कुछ भी होता है, तो कई बार स्टमक में एक मरोड़ सा आता है, एक अनईजी फीलिंग आती है। तो हाँ मस्टर्ड कैन हेल्प, अगेन यू हैव टू थिंक इट इन अ ब्रॉडर फॉर्म कि मस्टर्ड जो ऑयल होता है वो हॉट होता है, राइट? उसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। तो मस्टर्ड ऑयल इज वेरी हेल्पफुल इन गैस ट्रबल, इन ब्लोटिंग पर्पसेस, जैसे हम कहते हैं नाभि के अंदर एक बूंद गरम तेल मस्टर्ड का डाल दो। सो अगेन इट इज द सेम वे कि मस्टर्ड इज हेल्पफुल इन, हमें समझना पड़ेगा कि हम मस्टर्ड को
कैसे पकड़ सकते हैं. इट इज नॉट डायरेक्टली कि कान ऐसे पकड़ा, कान ऐसे भी पकड़ेंगे तो भी दर्द होगा या जैसे भी पकड़ेंगे, पर उसका मतलब समझना है कि मैं डाउन फील कर रही हूँ, सब कुछ हो रहा है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है. अगेन माई वन पेशेंट सेट की इंडिकेशन दिया कि मैम पता नहीं चलता, बट चमक में सबसे पहले इफेक्ट आता है. क्या इफेक्ट आ रहा है? कुछ नहीं पता मैम, सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन गैस ट्रबल हो रही है. देन आई स्टार्टेड सीइंग इट इन दादा वे ऑफ सीइंग कि नहीं समझ में आ रहा है, मस्टर्ड रेमेडी है. और मस्टर्ड एक तरीके से और काम कर सकता है कि मस्टर्ड इटसेल्फ एज एन ऑयल इज हॉट एंड इट हेल्प्स इन ब्लोटिंग पर्पस एंड इन गैस ट्रबल. तो जैसे हमेशा वो मुझे कई बार डांट भी देते हैं कि जो पढ़ाता उसके हट के क्यों सोचना होता है. तो मैंने कहा वो भी चीज आप ही ने सिखाई कि हट के सोचो. सो यू नो यू गाइज कैन थिंक एनी रेमेडी इन एनी फॉर्म. एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, एवरी लर्निंग इज डिफरेंट. रेमेडी वही की वही है. आप वो रेमेडी उस पेशेंट में कैसे फिट करते हैं, यू आर फ्री टू एक्सप्लोर. क्योंकि कोई भी रेमेडी यहाँ पे साइड इफेक्ट नहीं देती है. अगर आपकी रेमेडी गलत हो भी गई है तो साइड इफेक्ट नहीं है. यू कैन ऑलवेज ट्राई एंड यूज अनदर थिंग. क्योंकि इधर आपकी रेमेडी गलत नहीं हुई है. 90% टाइम्स पेशेंट इज नॉट एबल टू से द प्रॉपर फीलिंग एंड वी आर नॉट एबल टू कैप्चर. विथ एक्सपीरियंस ही हमको समझना आएगा कि वो जो नहीं कह रहा है वो हमें समझना है.